सवाल कौन सा? मेरा है, मैंने अभी जस्ट अडानी इतना जो फ्लक्चुएट किया था तो मैंने 1000 समथिंग पे उठाया था, फिर मैंने उसको सेल कर दिया था, लेकिन अभी मेरे पास पोजीशन है 200 अदानी का, वो आपका 1438, और अदानी पोर्ट है 414 में। 1430 मतलब अदानी एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हो आप? अदानी एंटरप्राइजेस 1424 पे लिया हुआ, ये वोलेटिलिटी के बीच में लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? नहीं सर, ट्रेडिंग लंबी अवधि ट्रेडिंग करके मैं निकल गई थी, 1014 में लिया था और फिर मैं बेच के निकल गई थी, उसके बाद रख लिया। मतलब लंबी अवधि का मन बनाया। क्यों लंबी मेरे अवधि पास का मन अडानी बनाया? पोर्ट अदानी है। एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स आपने फंडामेंटल स्टडी करे थे या ऐसे ही सोचा कि जहां नहीं से सर, गिरा है अब चल इसका जाएगा? फंडामेंटल स्टडी नहीं किया था, इसका पीई रेशियो काफी हाई है, इस हाँ, कारण से मैंने इसको रखने को नहीं सोचा है, तो बस आस्था मैम से सजेशन लेना है कितना स्टॉप लॉस रखूं, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में काफी कुछ काफी पुराना भी है, हाँ आईसीआईसी ये सब मेरे पास काफी पहले का तो है। उस पे आता हूं, पहले अदानी ग्रुप को निपटा देते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस 1424 ही खरीद, 1700 के ऊपर चल रहा होगा अदानी एंटरप्राइजेस, दिखाइएगा। और अदानी पोर्ट बहुत अच्छे लेवल्स पर है मेरे ख्याल से, ये जब गिरा था तो 395 के लेवल्स थे मैं लोज, उसी वहीं दिन से पहले लिया घूमा। था, मैंने उसी दिन लिया था 414 बस में। बहुत सही किया आपने, इसके एसेट्स में कोई कंप्लेंट किसी को होनी नहीं चाहिए अदानी पोर्ट्स के। खैर, बात लॉजिक सही है, लंबी अवधि के लिए नहीं रोकना है, वैल्यूएशन शायद अभी भी स्ट्रेच्ड हो, कंफ्यूजन है, रोज खबरों का ताता लगा रहता है। आस्था, ट्रेडिंग का मन, दोनों ट्रेड्स बढ़िया ग्रिप में, अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए? कहां तक राइड करूं इस मोमेंटम को, कहां स्टॉप लॉसेस लगाऊं? लॉजिकल क्या लगता है दोनों ही कंपनीज पे? जी बिल्कुल संगीता मैम, गुड आफ्टरनून। देखिए मैम, आप अभी ऐसा करिए कि सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस में 1570 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, छोटा स्टॉप लॉस है लेकिन लगाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके नीचे जाने के चांसेस बेहद कम है और अपनी पोजिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुनाफा प्लीज वसूल करते रहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत वॉलेटाइल काउंटर है, तो बेटर रहेगा। और आप तो अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो ऊपरी स्तरों पे अगर ये किसी भी वजह से अगर ऊपर में 1850 से लेके 1980 तक आ जाता है, तो वहां पे आप थोड़ा मुनाफा भी जरूर वसूल करिए, तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल करते रहिए और अपनी पोजिशन जो आपने ली है उसमें एक बार 1570 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेरे हिसाब से उसके ट्रिगर होने के चांसेस बेहद कम है, अगर उसके नीचे गया तो ही दिक्कत होगी। दूसरी तरफ अगर हम अदानी पोर्ट की बात करें, तो अदानी पोर्ट भी यहाँ पे अभी तो थोड़ा सा डाउन ही लग रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट ज्यादा बेटर है, पर अदानी पोर्ट में भी आपको स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 570 के आसपास का। मेरे हिसाब से ये लेवल काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले भी पिछले हफ्ते का भी लो वहीं से बन के वापस से रिवर्ट हुआ है, तो चांसेस कम है कि वहां तक वापस जाए अगर मार्केट ने साथ दिया तो। 570 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, लेकिन इसमें भी ऊपरी स्तरों पर निकलना है जो तकरीबन अपने को देखने को मिल सकते हैं 675 से 700, तो दोनों ही काउंटर पे निकलने की भी कोशिश करते रहिए। ये इन्वेस्टमेंट वाले काउंटर्स अभी नहीं है, मे बी लॉन्ग टर्म में अगर सब कुछ ठीक हुआ तब हम इन्वेस्टमेंट के लिए वापस से देखेंगे, पर अभी तो स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए और अपनी पोजिशन में थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूल करते जाइए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टॉक्स के लिए बढ़िया स्टॉप लॉसेस, एक के लिए 1570, एक के लिए 570। ऊपर के लेवल्स पर मुनाफा बांधने के भी मैम मौके ढूंढेगा। आपने अच्छा ट्रेड लिया दोनों में।